नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएससी हेल्प डेस्क पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कृषि अभियांत्रिकी संचालन में मध्य प्रदेश शासन। अगर आप एक किसान भाई हैं और आप कस्टम हायरिंग सेंटर खोलना चाहते हैं तो किस तरीके से आप खोल सकते हैं? कृषि यंत्र खरीदने के लिए सरकार देगी पैसा, 10 लाख तक की सब्सिडी आपको मिलने वाली है। अगर आप एक किसान भाई हैं और आप कस्टम हायरिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, क्या है कस्टम हायरिंग सेंटर उसके बारे में हम आपको डिटेल में बता दें कि सरकार किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर खोल रही हैं। उसके अंतर्गत जितने भी कृषि खेती में जो लगने वाले यंत्र हैं वो सभी यंत्र सरकार आपको सब्सिडी के माध्यम से देती हैं। यही कस्टम हायरिंग सेंटर हैं या कस्टम हायरिंग प्रोजेक्ट हैं। तो इस सेंटर या प्रोजेक्ट को आप लेने के लिए कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, मतलब कैसे आप अपना आवेदन करेंगे, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप वीडियो पे बने रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप सीएससी हेल्प डेस्क चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। कस्टम हायरिंग रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है CHCMPDAGE, CHCMPDAGE। जैसे आप टाइप करके सर्च करेंगे ऊपर में ही आप देखेंगे कस्टम हायरिंग होम पेज, सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, कस्टम हायरिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आती है, कब पंजीयन चल रहे हैं, कब ख़त्म होंगे या कब लॉटरी है, सारा कुछ अपडेशन यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी में आपको बताया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी 6 अगस्त 2021 तक यहाँ पे पंजीयन की दिनांक को बढ़ाया गया है कस्टम हायरिंग की, और यहाँ पे अपडेशन चलता ही रहता है। आपको यहाँ पे रीड करके ही ओके बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कृषक आवेदन करें पे क्लिक करके आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन संशोधन करना है तो यहाँ पे आवेदन संशोधन भी आप कर सकते हैं। आवेदन की पूर्व वर्तमान स्थिति भी यहाँ से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ पे निर्माता पंजीयन भी आप देख सकते हैं। ऊपर की तरफ फॉर्म प्रारूप डाउनलोड करें पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से पंजीयन का प्रारूप आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं, कैसे आपको पंजीयन करना है, कितनी सब्सिडी मिलने वाली है, कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कृषि अभियांत्रिकी संचालन है पंजीयन का प्रारूप। यहाँ पे आवेदन में आप देख सकते हैं आवेदन में कृषक का नाम लगने वाला है, कृषक के पिताजी का नाम, जन्म तिथि, क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, और आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर जो कि किसान का जिनका आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, या आप एक अगर किसान हैं तो आपके सारी कुछ चीज़ें ये लगने वाली हैं, जिसमें जिले का नाम, विकास खंड का नाम, ग्राम पंचायत, पिन कोड, निवास का पता, संभाग, जिला, विकास खंड, निवास, ग्राम, ग्राम पंचायत का नाम, पिन कोड, आधार नंबर, समग्र आईडी और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आपकी लगने वाली हैं। कस्टम हायरिंग हेतु आप यहाँ पे देख सकते हैं कस्टम हायरिंग केंद्र में रखने के लिए ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरणों की सूची, ट्रैक्टर, रिवर्सिबल प्लाउ, मैकेनिकल हाइड्रिक, रोटरवेटर, कल्टीवेटर, शीट कम फर्टिलाइजर ड्रिल, शीट कम फर्टिलाइजर ड्रिल, मल्टी क्रॉप, रेड बेड प्लांटर और मल्टी क्रॉप प्लांटर, रेड बेड प्लांटर, फिथ इनक्लाइंडर, ये सारे यंत्र आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको ब्रांड देखने को मिलती हैं, मॉडल देखने को मिलती हैं और इनकी अनुमानित लागत के कितने के ये यंत्र, इनकी क्या लागत है, टोटल यहाँ पे जोड़ के आपको बताया हुआ है। साथ में यहाँ पे वैकल्पिक सूची भी यहाँ पे दी गई है, वैकल्पिक यंत्र की सूची भी यहाँ पे दी गई है, इन यंत्रों को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ में यहाँ पे जो बताया गया है कि कुल अनुमानित लागत
28 लाख से ऊपर के यहाँ पे यंत्र आपको मिलने वाले हैं। साथ में 28 लाख के यंत्र जिसमें मिलने वाले हैं उसमें आपको 10 लाख के आसपास बैंक सब्सिडी दे देती हैं और 12 लाख के आसपास आपको सब्सिडी मिल जाती हैं। 2 से 4 लाख रुपए किसान को लगाने होते हैं। यहाँ पे अगर कागज़ की बात की जाए, डॉक्यूमेंट की अगर बात की जाए, तो आधार कार्ड आपका लगने वाला है, 12वीं की अंक सूची लगने वाली है, 10वीं की अंक सूची लगने वाली है, किसान का मोबाइल नंबर, किसान का समग्र आईडी, किसान का वोटर आईडी, जमीन का खसरा नकल, पावती और किसान का मोबाइल नंबर, और ये चीज़ें लगने वाली हैं। और इन डॉक्यूमेंट, इन कागज़ के माध्यम से कस्टम हायरिंग में किसान रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, अपना पंजीयन करवा सकता है और सब्सिडी का लाभ उठा सकता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अधिक किसानों में शेयर ज़रूर करें।